दूधसागर वाटरफॉल। जी हाँ, गोवा कर्नाटक राज्य की सीमा के पास स्थित शानदार दूधसागर झरना निसंदेह सबसे प्रभावशाली है, जो पहाड़ियों से घिरे हुए है। और दूधसागर वाटरफॉल का शाब्दिक अर्थ की बात की जाए तो सागर का दूध यानी कि सी ऑफ मिल्क होता है, जिसे गोवा के सबसे अच्छे रहस्यों में से एक रूप में जाना जाता है। यह एक रहस्यात्मक है। दूधसागर झरने आपको एक अविश्वसनीय स्नान करने का अनुभव प्रदान करते हैं, जो इस दुनिया भर में सबसे अभूतपूर्व नहाने के स्थलों में से एक है। यह आप इसके नज़दीक जाएंगे तो आपको सम्मोहित करेगा, आपको सपनों की भूमि पर ले जाएगा और आपकी आत्मा को शुद्ध करेगा। पहाड़ के नीचे दूध की धाराएं आपको मंत्रमुग्ध कर देती हैं और रहस्यमयी हो जाती हैं। यदि आप प्रकृति की सुंदरता को दूर से देखोगे तो यह दूध की कई धाराएं लगती हैं जो जंगल से होकर बहती रहती हैं। इस झरने को भारत का सबसे ऊंचा झरना माना जाता है और हर साल बड़ी संख्या में सैलानी यहाँ पर घूमने आते हैं। अगर आप मन की शांति और एक अद्वितीय आनंद पाना चाहते हैं तो गोवा की यात्रा के दौरान आपकी घूमने की जगहों में से यह दूधसागर झरना आपकी लिस्ट में ज़रूर होना चाहिए। यह एक अत्यंत मनमोहक दृश्य है। कुछ क्षणों उपरांत हम जलप्रपात के समीप पहुंचने को और आगे बढ़ ही रहे थे। मार्ग अत्यंत जोखिम भरा था और चारों तरफ फिसलन भरी चट्टाने थी। बंदर आपके आसपास छलांग लगाकर आपकी उपस्थिति दर्ज कराते रहते हैं। गिरते पड़ते अंततः हम जलप्रपात के चरणों तक पहुँच ही गए। अब वहीं बात की जाए तो दूधसागर पहुँचने के लिए, तो जैसा कि हमने पहले बताया कि यह झरना गोवा और कर्नाटक राज्य की सीमा पर है, इसलिए यहाँ जाने के दो रास्ते हैं, एक गोवा से और दूसरा कर्नाटक से। वहीं रेल मार्ग से यदि आप जाते हैं तो यहाँ पहुँचने के लिए नज़दीकी रेलवे स्टेशन कोल्लम है और दूसरा निकटतम स्टेशन है मडगांव, जहाँ से इस जगह की दूरी 40 किलोमीटर है, जो कि दिल्ली, पुणे, मुंबई, कोलकाता और हैदराबाद सहित अन्य प्रमुख शहरों से यह जुड़ा हुआ है। वहीं सड़क मार्ग से आप जाना चाहें तो किसी खास या फिर दोस्तों के साथ सड़क मार्ग से गोवा की यात्रा करना काफ़ी रोमांचक और यादगार साबित हो सकता है, जिसके लिए आप दिल्ली, पुणे, हैदराबाद, कोलकाता या बेंगलुरु से अपने लोकेशन के आधार पर NH 48 और NH 50 और NH 52 जैसे रूटों का चयन कर सकते हैं। यूँ तो भारत में घूमने तथा प्रकृति का आनंद लेने के लिए एक से एक कई जगह हैं। कई बार यह होता है कि हमें मालूम ही नहीं होता कि हम उस जगह के बारे में, और प्रकृति की गोद में ले जाने वाला ऐसा ही एक जगह है दूधसागर झरना। और इसके नाम से ही इसका मतलब साफ होता है कि दूध यानी कि सागर यानी कि दूध का झरना। तो इसे आप आम झरने की तरह बिल्कुल भी न सोचें, और इसकी खूबसूरती ऐसी है कि जिसे देखकर आपकी आंखें और मुंह दोनों खुले रह जाएंगे। और इस झरने की खूबसूरती और इसके आसपास की चीज़ों का आनंद लेने में जो मज़ा है वो तो है ही। अगर आप पहली बार यहाँ की यात्रा करेंगे तो आपको बता दें कि जिस तरह के रास्ते हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए, वो आपको दूधसागर झरने को देखने के और भी ज़्यादा उत्साहित कर देगी। और ऐसा इसलिए क्योंकि यह झरना मोल्लेम नेशनल पार्क के अंदर स्थित है और इसके आसपास की जगह जहाँ से आप गुजरेंगे वो जंगल से घिरी हुई है, और यही चीज़ जो है पर्यटकों को काफ़ी आकर्षित करती है। यह पहले उतना प्रचलित नहीं था जितना आज है। इसको लोकप्रिय बनाने के पीछे जो है, आपको बता दें कि दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान की एक फिल्म आई थी चेन्नई एक्सप्रेस, उसमें इस झरने की खूबसूरती को दिखाया गया, जिसके बाद से लोगों के मन में इस झरने को देखने की इच्छा पैदा हुई और यह लोकप्रिय बन गया। यह झरना केवल भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में भी काफ़ी सुंदर है और लोकप्रिय है झरनों में से एक है। यह 310 मीटर यानी कि 1017 फीट की ऊंचाई से और लगभग 30 मीटर यानी 100 फीट की चौड़ाई वाला यह झरना सबसे ऊंचे झरनों की सूची के मुताबिक भारत में 5वें स्थान पर है, जबकि विश्व में यह 227वें स्थान पर माना जाता है। इतना ही नहीं, दिलचस्प बात तो यह है कि यहाँ हज़ारों फीट से गिरते दूध जैसे दिखने वाले इस झरने के बीच से ट्रेन भी गुजरती है, और उम्मीद करते हैं कि आपको इसे देखकर आपके दिमाग में इस विशाल झरने को से होकर जाती हुई ट्रेन का दृश्य भी दिखने लगा होगा।
अब वहीं इसके पीछे किंवदंती कथा है कि एक कहानी के अनुसार माना जाता है कि पश्चिमी घाटों के मध्य एक झील हुआ करती थी, जहां पर एक राजकुमारी अपनी सखियों के सहित स्नान करने के लिए प्रतिदिन आती थी और स्नान के बाद वह घड़े भर दूध का सेवन करती थी। और एक दिन वह झील के जल में अटखेलियाँ कर रही थी, तभी वहाँ से जाते हुए एक नवयुवक की नज़र राजकुमारी पर पड़ी और वह वहीं रुक कर उन्हें निहारने लगा। अपनी लाज रखने हेतु ने राजकुमारी की सखियों ने दूध का घड़ा झील में उड़ेल दिया, ताकि दूध की परत के पीछे वे स्वयं को छिपा सकें। कहा जाता है कि तभी से इस झरने का दूधिया जल लगातार बह रहा है। दूधसागर झरना के खुलने का समय और शुल्क की बात की जाए तो वो पर्यटकों के लिहाज से अच्छी बात यह है कि यह झरना हर रोज खुलता है और आप यहाँ सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक जा सकते हैं। कोलेम से यहाँ पहुँचने के लिए जीप सफारी की सुविधा है और आपको इस जीप सफारी की सफ़र में कुछ छोटी छोटी नदियाँ भी मिलेंगी, जिनमें से आपकी जिप्सी निकल कर जाएगी और बहुत ही आनंददायक होता है यह दृश्य देखने लायक, जिसका शुल्क जो है 400 रुपया प्रति व्यक्ति है। और इसके अलावा गोवा वन विभाग के गेट पर ही आपको एक रसीद कटानी होती है, जिसके लिए प्रति व्यक्ति जो है शुल्क 50 रुपया है। और कोलेम नामक स्थान से जीप के माध्यम से आपके पर्यटन स्थल की दूरी जो है 40 से 45 मिनट की है, लेकिन जीप से उतरने के बाद लगभग 20 मिनट का सफ़र आपको पैदल ही तय करना होता है। हालांकि वो बात अलग है कि वहाँ मनोरम दृश्य की वजह से आपका समय का पता ही नहीं चल पाता है। और इसके आसपास घूमने वाली जो जगह हैं वो है मल्लम राष्ट्रीय उद्यान है और नेत्रावली झरना है और तांबड़ी सुरला महादेवी मंदिर है, भगवान महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य है और सहाद्री मसाला फार्म है। और यदि आप इसके यहाँ जाने के बेस्ट समय के बारे में आप जानना चाह रहे हैं तो यदि आप दूधसागर झरना जाने के लिए, सबसे अच्छा समय बारिश के मौसम माना जाता है, क्योंकि इस दौरान वर्षा के पानी की वजह से दूधसागर झरना अपने चरम पर होता है और इसकी खूबसूरती देखने लायक होती है। वहीं दूसरी बात यह भी है कि बारिश का मौसम भी पर्यटकों के लिए लुभावना होता है, जिससे मानसून के मौसम में यहाँ पर्यटकों का जमावड़ा भी बहुत अधिक होता है। गर्मी के मौसम में भी आप यहां आ सकते हैं, लेकिन गर्मी के मौसम में दूधसागर झरने के आसपास आपको मौसम जो है आपको गर्म मौसम की थोड़ी मार झेलनी पड़ सकती है। और चेतावनी ये है, सुरक्षा के नज़रिए से दूधसागर वाटरफॉल पर आपको एक लाइफ जैकेट भी मिल जाएगी, जिसका खर्च 30 रुपये होता है। और बिना लाइफ जैकेट के पानी में उतरना थोड़ा खतरनाक साबित हो सकता है, और अगर आपको तैरना नहीं आता है तो आप ज़्यादातर गहराई में ना जाएं और लाइफ जैकेट ज़रूर खरीद के रखें। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि कहीं भी घूमने जाने से पहले आपको उस जगह का मुआयना कर लेना चाहिए और आने वाले मतलब वहाँ के मौसम दिन वगैरह के बारे में जानकारी और जानना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत रहे पड़ेगी उसकी तैयारी कर लो और अपनी यात्रा को ज़्यादा सुखद बना सकें। तो फिर कैसा लगा आप लोगों को यह वीडियो, और कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें टूरिस्ट इंडिया को, और वीडियो को भी लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं ऐसे किसी और वीडियो में। धन्यवाद।